टेनिस स्टार एहसामुल हक वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने विंबलडन डबल्स के क्वार्टर फाइनल्स के अलावा यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स और मिक्स डबल्स मुकाबलों में भी क्वालिफाई किया है। 30 साल एहसामुल हक इन कामयाबियों के साथ साउथ अफ्रीकन ओपन का टाइटल भी जीत चुके हैं और आलमी नंबर एक रॉजर फेडरर और शोहराय आफाक जुड़वा भाइयों की जोड़ी ब्रायन ब्रदर्स को एटीपी टूर्नामेंट में शिकस्त देने का एहसास भी रखते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने 2010 में इनकी गिरां कदर खिदमात पर उन्हें मुल्क के सबसे बड़े सिविल अवार्ड सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। वो स्कॉश के अजीम खिलाड़ी जहांगीर खान और क्रिकेट लेजेंड इमरान खान के बाद तीसरे पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन हैं जिन्हें इस एजाज से नवाजा गया। टेनिस का खेल एहसामुल हक कुरैशी के खून में शामिल है। वो साबिक ऑल इंडियन टेनिस चैंपियन ख्वाजा इफ्तखार के नवासे और साबिक कौमी चैंपियन नौशीन एहतशाम के बेटे हैं। आइए मिलते हैं एहसामुल हक से। जी पैकेज आपने देखा एंड इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अगर मैं ये कहूं हीरो ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ पाकिस्तान और यंगस्टर्स के क्या तमाम लोगों के रोल मॉडल, बिल्कुल आइकन, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। क्यों फारूक? बिल्कुल सही कहा तुमने सुंदर। हमारे साथ एहसामुल हक मौजूद हैं। एहसाम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जागो दुनिया। थैंक यू सो मच। और उनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसाम साहब मौजूद हैं और मैं यही कह रही थी, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज देयर ऑब्वियसली। और मैडम से भी थोड़ी देर में इनकी वालिदा साहिबा से भी मुलाकात होगी। एहसाम इतना डाउन टू अर्थ है और माशाल्लाह इतना मॉडेस्ट है कि अभी मुझे कह रहा था कि ना आप लोग बहुत तारीफ करते हैं और वो एक प्रोग्राम में हम मिले और वो प्रोग्राम किसी और उसका था, लेकिन वहाँ पे बात सारे एहसाम की कर रहे, हर बात पे एहसाम। एंड मैंने कहा कि यार मेरे ख्याल में जितना भी हम इसको ऑनर दें, क्योंकि इसने पाकिस्तान के लिए जो कुछ किया ऐसे वक्त में जब स्पोर्ट्स के हवाले से हमारा मोराल, मतलब हॉकी में देख लें, क्रिकेट में देख लें, स्क्वाश में देख लें, बिल्कुल डाउन था, एक रे ऑफ होप के इंटरनेशनल लेवल पे एहसाम ने जो किया, मेरे ख्याल में इसमें कोई शक की बात नहीं। एहसाम क्या हालचाल? बहुत अलग है, शुक्रिया जी। कैसा फील कर रहे हैं? थकावट दूर हुई है कि नहीं? पहले ये होता है यूएस ओपन के बाद। नहीं नहीं, ऐसे नहीं खत्म हुई, माशाल्लाह मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सारी पाकिस्तान इतना मोहब्बत दे रही है कि इट्स वेरी फील्स अनबिलीवेबल। यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट। अभी नेक्स्ट टूर्नामेंट कब है आप? इंशाल्लाह रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन कॉमनवेल्थ गेम्स, फोर्थ से शुरू हो रही है दिल्ली में। ओके, तो हमारा कैंप आज से लग रहा है इंशाल्लाह। आपके इंटरव्यू के बाद सीधा कैंप ही जा रहा हूं मैं। अच्छा, ग्रेट। एंड 10 दिन का कैंप है, तो वी आर प्लानिंग ऑन फ्लाइंग टू दिल्ली ऑन सेकंड। ठीक। अच्छा ऐसा एक क्वेश्चन जो हमेशा से मैं सोचता रहा, आप टेनिस ऑब्वियसली इट्स योर फैमिली गेम, योर फादर, योर ग्रैंडफादर, योर मदर, योर सिस्टर, ऑल हैव बीन प्लेइंग टेनिस एंड सो हैव यू बीन बचपन से। मुझे ये बताओ कि आम जब हम खेलना शुरू करते हैं, कोई भी प्लेयर होता है क्रिकेट या हॉकी, तो बेसिक लेवल से शुरू करते हैं, दोस्तों के साथ, घर में, फिर कोर्ट में जाते हैं, ये कब और कैसे उस चीज़, वो कौन सी चीज़ होती है जो आपको इतना यूनिक बनाती है कि आप इतने लेवल तक की सोच होती है आपकी, आपकी गेम होती है? क्योंकि मेहनत तो हर बंदा करता है, हार्ड वर्किंग भी होते हैं, स्टेमिना भी होता है, ये कौन सी चीज़ होती है जिसपे आप, मतलब यूएस ओपन इज अ ड्रीम कि एक पाकिस्तानी यूएस ओपन तक पहुंचे, तो ये कैसे, ये कौन सी चीज़ होती है? नहीं, ऑब्वियसली एक गोल सेटिंग होती है लाइफ में, कुछ अचीव करने की जो ख्वाहिश होती है वो होती है। मेरी तो हमेशा बचपन से यही रहा है कि कोई ऐसा काम करूँ जिससे माय पेरेंट्स कैन बी प्राउड ऑफ मी, माय कंट्री कैन बी प्राउड ऑफ मी। वो अल्लाह का शुक्र है, टेनिस ने मुझे वो टूल दिया है बेसिकली के, और प्लेटफॉर्म दिया है कि आई वॉज एबल टू डू दैट। अम्मी अबू तो माशाल्लाह हर दिन ही कहते हैं कि दे आर प्राउड ऑफ मी। आई थिंक वो बहुत मोटिवेटिंग चीज़ है, क्योंकि फॉर अ चाइल्ड उससे बेहतर चीज़ कोई हो नहीं सकती अगर आपके पेरेंट्स कह सकें और सेटिस्फाइड हों। तो फॉर श्योर बहुत मोटिवेशन इसी वजह से मिली है, हर दिन उठना कि यू नो आई हैव टू डू वेल, आई हैव टू डू वेल। मुझे याद है सीरियस में इस तरह हुआ था, जब पहली दफ़ा मैं अपना अंडर 14 का टाइटल मैच था, कोई नेशनल ग्रास कोर्ट चैंपियनशिप, माई फर्स्ट मैच इन माई करियर एवर, आई लॉस 6-0 6-0। अच्छा, तो मेरा बस ये था कि अगली दफा इस बंदे को मैं जब खेलना है तो आई हैव टू बीट हिम। अच्छा, एक जुनून। बिल्कुल,
और मुझे अभी भी उसका नाम याद है, मुझे अभी एक्चुअली 4 दिन पहले वो मिला भी है उसको। हाँ। हम तोती कहते थे, तोती के नाम से वो बड़ा मशहूर था। अच्छा। लाहौर में तोती ने हरा दिया। हाँ। तोती ने मुझे हरा दिया, मेरे तोते उड़ा दिए थे। तो मेरा बस ये था कि अब अगला टूर्नामेंट जब भी होगा अंडर 15 या 16 आई हैव टू बीट दिस गाय। हारने का अफसोस होता है? रैकेट शैकेट जमीन पे मारते हो, बॉल मारते हो? लोगों के सामने नहीं करता मैं, मेरा माशाल्लाह बड़ा अच्छा जो है ना रिप्यूट है, मैं कभी जिंदगी में रैकेट नहीं तोड़ा। अच्छा नहीं तोड़ा? लेकिन बाकी चीजें कमरे के अंदर बहुत तोड़ी। लाडले किसके हो, अब्बा के हो के अम्मा के? ये तो अब इनसे पूछे ना। तो दोनों यही बात है। अच्छा एजुकेशन व्हाट हैव यू डन? माशाल्लाह बैचलर्स कर चुका हूं जी इन स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद स्टडीज को मैं थोड़ा सा ऑब्वियसली हैड टू, आई ऑलवेज वांटेड टू परस्यू माय स्टडीज। अभी 1.5 महीना हुआ आई स्टार्टेड माय मास्टर्स इन मैनेजमेंट, ऑनलाइन कोर्सेज कर रहा हूं मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फीनिक्स से। और पिछले 3 हफ्ते से उनकी बहुत मुझे ईमेल्स आ रही है कि I've not been able to attend any class. कह रहे हैं इतना मशहूर आदमी यहाँ से मास्टर कर रहे हैं, भैया उतना हमारी समझ नहीं आ रही, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल पढ़ने का। और अभी मैं अबू से भी आपके आने से पहले ये इधर आने से पहले ये डिस्कस कर रहा था कि उधर यूनिवर्सिटी में से बहुत गालियां पड़ रही हैं। अच्छा डेली ट्रेनिंग क्या होती है, रूटीन क्या है तुम्हारी, कितना मेहनत, कितना मतलब पीपल वुड वांट टू नो कि भाई एक टेनिस स्टार बनने के लिए हमें रोज क्या करना, वो व्हाट डज इट सामू लाइक? देखें बचपन में तो बहुत किया है, अब एज के हिसाब से थोड़ा सा काम करता जाता हूँ। पहले आई डोंट नो इतनी वो नहीं थी, मुझे गाइडेंस नहीं थी। तो एवरीबॉडी यूज्ड टू से यू हैव टू स्पेंड 6-7 आवर्स ऑन द कोर्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से वो गलत चीज़ है क्योंकि जिस तरह मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे मिलता रहा है एंड आई हैव लर्नड इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। अगर आप 2 घंटे भी बिल्कुल 100% देते हो अपनी ट्रेनिंग के अंदर एंड यू टोटली फोकस इन इट, इट्स बेटर देन वो 5 घंटे जो आप दोस्तों से बातें कर रहे हो, अपने टेक्स्ट मैसेज चेक कर रहे हो और वो चीज़ें। तो नाउ फॉर पास्ट 2 ईयर्स आई ट्राई कि मैं एक सेशन हो टेनिस का, आई ट्राई टू प्ले फॉर 2.5-3 आवर्स, फिर ब्रेक लूँ, लंच वगैरह करूँ। भागते कितना उम्र है, रनिंग जिम? इट ऑल उसमें 2.5 घंटे लग जाते मेरे, 2.5-3 घंटे ट्रेनिंग फॉर श्योर। मतलब हाउ मच डू यू रन? 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर? डिफरेंट डेज होते हैं, ऑल्टरनेट डेज होते हैं। किसी कहीं पे मैं सिर्फ 1 घंटा भागता हूँ लॉन्ग रनिंग, उसमें फिर कोई जिम शिम नहीं करता मैं। हफ्ते में 50-60 किलोमीटर तो चले जाते होंगे मेरे को, दौड़ लेते होंगे। आई प्रेफर टू रन ट्रेडमिल। ट्रेडमिल में आपको वो हार्ट रेट का भी पता लगता रहता है, स्पीड का भी, आप कंटिन्यूसली एक ही स्पीड पे भागते जाओ। ठीक। फिर होती है कभी कभार आप इंक्लाइन करके यू डू स्प्रिंट्स, वो चीजें हैं, वेट्स लेदर हैं, साइकिलिंग है, स्विमिंग है। तो जस्ट आई लाइक टू कीप रोटेटिंग ऑल द एक्सरसाइजेस। आप लोगों ने क्या दुआएं की हैं, मतलब माशाल्लाह से कोई खास, मतलब पूरी कौम ने दुआएं की, सारी कौम ने, तमाम लोगों ने ऑब्वियसली, ये अल्लाह ताला ने उनमें से जो है ना जी किसी नेक अंधे की दुआएं सुन ली हैं जी। नहीं नहीं जी, आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की अपब्रिंगिंग है। सितारे इम्तियाज आपको अवार्ड किया गया, यू आर द 3rd प्लेयर, जहांगीर खान, इमरान खान और आपको मिला, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट ऑनर। फाइनेंशियली ये गेम अच्छी है, सुना बड़ा पैसा है इस गेम में। हाँ जी, इफ यू मेक इट टू द टॉप, डेफिनेटली टॉप पे आपने मेकअप कर, लेकिन उस करने के लिए मैंने खर्च भी बड़े किए हैं। क्या खर्चे हुए जी, आप बताइए हमें, क्या क्या खर्चे किए आपने इसकी गेम पे? मेरा ख्याल है जी वो इस वक्त जो है ना, चूंकि ये खुशी का मौका है, ऐसा है अगर हम वो इस तरह की बात करें, वी जस्ट वांट टू सेलिब्रेट। नहीं नहीं, वी वांट टू सेलिब्रेट। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि अगर जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, हो सकता है कुछ बडिंग यंग टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन हो जो टेनिस की तरफ आना चाहे। बात ये है कि किसी भी पेरेंट्स के लिए, स्पेशली अगर उनके पास रिसोर्सेज हैं जी, तो अपनी औलाद के लिए जितने भी रिसोर्सेज लगा दें कम कम होते हैं। बिल्कुल ठीक। और अगर उनके में ये डिवोशन है कि हमने बना, देखिए एंड्रे एगसी के वालिद, वो जब पैदा हुआ था तो उन्होंने उस दिन, उसकी पैदाइश से पहले सोचा था कि मैंने इसको वर्ल्ड चैंपियन बना दें। वो जब पैदा हुआ है तो उसकी कोर्ट में सबसे पहली चीज उसके बाप ने टेनिस बॉल रस्सी के साथ लटका दिया कि मेरा बेटा जिंदगी में पहली चीज आंख खोल के देखे तो टेनिस का बॉल। वो माइग्रेट करके उन्होंने फ्लोरिडा में जाके निक बॉलेट्री अकेडमी के पास घर लिया कि हमने इस अकेडमी में बच्चे को खिलाया। ये तो पेरेंट्स को प्लान करके चलना होता है, अपने अपने रिसोर्सिस के हिसाब से है। The biggest expense, of course, इसमें just like education की अगर आप advanced education चाहते हैं, देखिए अगर आप highest education चाहते हैं तो आपको दुनिया में highest education के जो institutions हैं वहाँ जाना पड़ेगा। highest level पे tennis खेलते हैं तो आपको वो highest level के coaches जैसे professors, अब यह है कि with due respect के गांव का school teacher आपको masters तो नहीं करवा सकता ना। ठीक। तो उसके लिए आपको प्रोफेसर चाहिए जो खुद भी पीएचडी। इसी तरह से ये है कि जी वी हैव गुड कोचेज इन पाकिस्तान, बट आफ्टर अ सर्टेन लेवल यू नीड टू हैव, वी नीड टू हैव प्रोफेसर इंटरनेशनल एक्सपोजर। जैसे एजुकेशन की आपको हार्वर्ड के और बर्कले के और प्रोफेसर की लेवल चाहिए, उसी तरह इसमें भी है। सही। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सामुल हक उनके फादर यहाँ पे मौजूद है, स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया। जागो दुनिया, जागो दुनिया, जागो दुनिया, जागो दुनिया, जागो दुनिया, जागो दुनिया।
जागो जागो।